और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, माइनॉरिटीज में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब, यानी कि महमूद अली साहब हैं, जो आज तारीख है साहब, कि आज चलेगा आज़ादी से लेके आज तक पहली मरतबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटीज का जो अगर आज है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी का महमूद अली साहब है, जो हिस्ट्री में नाम लिखा गया है। और उसके साथ हमारे जो मथाया नसीमा रेड्डी साहब, जो कि यानी कि पहले से लेबर मिनिस्टर रहे, लेबर लीडर रहे, लेबर में यानी कि MLA भी रहे, उसके बाद लेबर मिनिस्टर रहे, और उसके बाद आज भी होम मिनिस्टर है, और उन्होंने ऐसे शख्सियत है कि उनके ताल्लुक से तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लोगों के मसाइल में अगर उनके ऑफिस पर जाके देखेंगे तो हर एक के मसाइल हल करने का उनका फिक्र रहते हैं, दो गालियाँ ज़रूर देंगे, जितना है साहब की बराबर काम बराबर करेंगे। तो बहरहाल ये हाल है हमारे मॉडी साहब का, और हमारे संविता रेड्डी जो हमारे कारपोरेटर हैं मुसारामबाग के, वो भी हमारे पास जब से कारपोरेटर इलेक्ट हुए हैं इसके बाद से कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि उनके लिए शिकायत करने के लिए, लेकिन जो आदमी अच्छा काम करने वाला था उसको बहुत सारे लोग होते हैं नाम रखने वाले, जो झाड़ को फल लगता है उसको पत्थर जरूर मारते हैं, उसके ताल्लुक से ये हमारे लिए एक लेसन समझना है और हम अपने प्रिकॉशन ही लेना है। कभी ये नहीं समझना अपने आप को डिसहार्टेड नहीं होना कि लोग हमारे कुछ ऐसा बोल रहे ये क्या है, इतना करने के बाद हमें ऐसा बोल रहे, बल्कि ये बोलूंगा मैं कि ये हालत, हाँ झाड़ में फल रहता है तो बदतर देखता है, तो जो काम करने वाला होता है उसको बराबर नाम रखते, ये तो कामन जिंदगी का तरीकेकार है। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे पास के जितने भी है तेलंगाना बनने के बाद से हमारी गंगा जमुना तहजीब में, जिस वक्त हमारे KCR साहब ने कहा था कि तेलंगाना तो आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे हर एक मजहब के तमाम लोगों के बराबर से हम ईदों में शरीक होंगे, और कभी किसी को यह महसूस नहीं होगा कि जैसा पहले निजाम के ज़माने में था कि हर एक मजहब का आदमी हमारे एक दूसरे के ईदों में मिलते थे, जुलते थे, हर एक के साथ अच्छा रहते थे। हम ये माहौल फिर दोबारा पैदा करेंगे, और हमारे KCR साहब का जो वर्ड था आज वो वर्ड को उन्होंने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसके साथ हमारे तमाम मिनिस्टर भी उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसा कि आज हमारे जो गंगा जमुना तहजीब के यानी कि जेर नज़र अगर देखा जाए तो नायब नसीमा रेड्डी साहब और हमारे महमूद अली साहब और हमारे सुनील रेड्डी साहब और तमाम लोग, हमारे रमज़ान की ईद मिलाप है जिसमें हर एक मजहब का आदमी हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहा है और हमारे साथ खुशियों में शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गंगा जमुना तहजीब का बड़ा अलमबरदार है हम तमाम लोग। ये ज़रूरी है कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तमाम भाई, और सबसे बड़ी चीज़ तो लीडर उसका नाम है, जो लीडर किसी के जेब पे नजर ना रखे, लीडर किसी के साथ जुल्म ना करे, बल्कि लीडर का डिफिनेशन ये है कि किसी की भी मदद करे, किसी का भी रहबर बन के काम चले, और जो लीडर होता है वो रहबर बन के चलाता है, और काम कराने का तरीका ये होता है कि उसकी उसकी जरूरत को उसकी मजबूरी को समझ के काम करने वाले का नाम लीडर है, बजाय उसके जो आदमी अपने